खबर मंदसौर से। मंदसौर में विजयादशमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय मंदसौर में इस बार कोरोना संकट और आचार संहिता के चलते रावण दहन का भव्य आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन जिले के आसपास के नगर व गांव में दशहरा कोरोना गाइडलाइन के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तस्वीरें जिले के संजीत की है, जहां सोमवार को विजयादशमी का पर्व मनाया गया। कोरोना संकट के चलते इस बार विजयादशमी पर कोई बड़े आयोजन नहीं किए गए। देर शाम बस स्टैंड दशहरा मैदान में 21 फीट रावण के पुतले का दहन किया गया। हर वर्ष नगर में राम सेना भक्त जुलूस के बाद रावण का दहन करने पहुंचती है, लेकिन इस बार केवल परंपरा निभाते हुए राम सेना सीधे रावण दहन करने पहुंची। आतिशबाजी के बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान कई लोग रावण दहन कार्यक्रम देखने पहुंचे। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।